नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे यानी कि पब्लिक रिलेशन के अनिल सक्सेना जी जो हैं इस समय इंडिया फर्स्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, सबसे पहले इंडिया फर्स्ट स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अनिल जी, काफी सवाल रहते हैं रेलवे से, क्योंकि अगर कहा जाए कि देश को अगर जोड़ती है, अगर बांधती है, वो है इंडियन रेलवे। और हर जनता और हर व्यक्ति जानना चाहता है कि रेलवे आखिर क्या कर रहा है, उसकी सुविधाओं के लिए काफी बातें जरूर होती हैं, लेकिन हम सबसे पहले सुरक्षा के एक्सपर्ट की बात करें, क्योंकि इस समय काफी करंट इशू है। टेररिस्ट एंगल इस समय आ रहा है, रेलवे की पटरियों को उखाड़ा जा रहा है, ब्लास्ट किए जा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों का एंगल आ रहा है, रेलवे इसको लेकर कितना सजग है? आपने बात करी रेलवे की, और आज जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ, 16 अप्रैल की तारीख है, रेलवे का बर्थडे है। आज 16 अप्रैल 1853 को हमारी पहली ट्रेन चली थी मुंबई में बोरी बंदर से थाने तक, और वो एक छोटा सा 34-33 किलोमीटर का सफ़र था। और आज वो किस रूप में हम आ गए हैं, मोर देन 65,000 किलोमीटर का नेटवर्क हमारे पास है, और वो हमने एक ट्रेन तब चलाई थी भाप के इंजन से, और आज हम करीब 22,000 ट्रेनें प्रतिदिन चलाते हैं, मालगाड़ियाँ और यात्री गाड़ियाँ। सेफ्टी के आप बात कर रहे थे, सेफ्टी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सेफ ऑपरेशन रेलवे कर रहे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती रेलवे के ऑपरेशन में। और रेलवे में सेफ्टी का पूरा एक प्रोटोकॉल है, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हर चीज़ वेल डिफाइंड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, मैनुअल्स हैं, और उसको पूरा फॉलो भी किया जाता है, क्योंकि प्रिवेंशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक बार जानकारी मिल जाए कि कोई गतिविधि ऐसे होने वाली है जो असामाजिक है, राष्ट्र विरोधी है, आतंकवाद से प्रभावित है, तो उसको हम रोक सकें और लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी को समय पर सूचित कर सकें ताकि वो कदम उठा सकें, इसके लिए प्रयास करें। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा अभियान है, लेकिन वो क्लीननेस की जो ड्राइव है वो रेलवे स्टेशन पर कुछ एक स्टेशन एक अच्छे उदाहरण जरूर है, लेकिन अगर उसको ओवरऑल देखा जाए तो सफाई की व्यवस्था नहीं देखी जाती। भिखारी जो होते हैं वो तमाम प्लेटफॉर्म्स बैठे रहते हैं, गंदगी बिखरी हुई होती है। निश्चित तौर पर यात्रियों का भी कर्तव्य है इसमें, लेकिन एक ड्राइव होती है रेलवे की तरफ से, वो नहीं चलाई जाती, इसका क्या कारण? देखिए, स्वच्छता अभियान रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी अपील करी राष्ट्र में, तो हम सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन थे सरकार की तरफ से जिन्होंने ज्वाइन किया। 2 अक्टूबर को बड़े पैमाने पे ऑल ओवर इंडिया में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमारे हर स्टेशनों पे गए, उन्होंने अपना अपना एरिया फिक्स किया और हमने ज्वाइन किया। जो ट्रेनें हैं, चलती ट्रेन में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें तो दोनों की भागीदारी चाहिए, रेलवे प्रशासन को भी साफ करना होगा और जो हमारे मुसाफिर यात्री कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनको भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर करेंगे तो ही हम ट्रेनों को साफ रख सकें। फिर हमने एक क्लीन माई कोच करके ऐप लॉन्च किया हुआ है, वो नंबर मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा, आप फ्लैश भी कर दीजिएगा। तो वो क्लीन माई कोच आप उस ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग जहाँ भी हमारा स्टाफ मौजूद है, अगर आप उसमें वो SMS कर देंगे तो वो आपका पहुँच जाएगा और आपका कोच आके साफ करेगा। रेलवे की जब जिक्र आता तो टिकट बुकिंग को लेकर काफी शिकायतें थी, खासतौर पर आम लोगों की, कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। बड़ी आबादी है, बड़ी जनसंख्या है, शिकायतें भी लाजमी है। दूसरा, हमने बहुत मेजर्स लिए हैं। हमने किस तरह के मेजर्स लिए हैं, दलाल कहाँ फायदा उठा रहा है? शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट नोटिस पे जो आदमी ट्रेवल करता है उसको तुरंत टिकट चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़, तो हमने उसके लिए बहुत मेजर्स लिए। हमने तत्काल स्कीम लाए रेलवे में कि जो आखिरी के 2 दिन ही टिकट मिलते हैं, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ कि इधर उधर इलीगल तरीके से ज़्यादा पैसे दे, उससे ज़्यादा लीगल तरीके से थोड़ा एडिशनल अमाउंट दे के लीगल तरीके से टिकट खरीदे, हमने इसको सुनिश्चित किया तत्काल के माध्यम से। रोज़ हम दलालों को पकड़ते हैं और रोज़ कोर्ट में पेश भी करते हैं, और वो कोर्ट से छूटने के बाद फिर इतने दुस्साहस होता है उनमें, दोबारा उस काम में आ जाते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं। तो ये सब भी चलता रहता है, वो अभियान भी चलता रहता है। आप लोगों से भी माध्यम से अपील करते हैं हम कि इस अनधिकृत लोगों के माध्यम से टिकट ना खरीदें। हर तरीके से टिकट उपलब्ध है हमारी वेबसाइटों पे, हमारे काउंटरों पे। थोड़ी सी मेहनत करें, ईमानदारी तरीके से लें, तो वो पनपेंगे भी नहीं और आपको लूटने का जो मौका एक्सप्लॉइट करते हैं वो भी नहीं ले पाएंगे। सर, पेंट्री कार की बात करेंगे, उसको आउटसोर्स कर दिया गया है, कई कैटर्स को उसको दे दिया गया है,
क्वालिटी ऑफ जो फूड होता है उसको कहा जाता है रेलवे के, हम उसको समय समय पर मॉनिटर करते हैं, लेकिन ऐसे देखने में नहीं आता, शिकायतें काफ़ी आती हैं तो आपको, और गंदगी खासतौर पर पेंट्री कार्स में जो गंदगी है, क्या नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे प्रॉपर इनका ड्रेसअप हो, प्रॉपर क्लीनिनेस की ड्राइव हो, उसके बाद उसको सर्व किया जाए, उसको शोकेस भी किया जा सकता है पेंट्री कार को, हाउ क्लीन इट इज़। केटरिंग जो है एक अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है और बड़ा सब्जेक्टिव भी है। आप घर में अगर अपन देखते हैं, वही माँ खाना बनाती है, एक लड़के को बहुत पसंद आता है, एक को नहीं भी पसंद आता है, तो ये वो एक टेस्ट की सब्जेक्टिविटी तो हमेशा फूड में रहती है। आपको पता है मैं कितने खाने पर डे खिला रहा हूँ अपने सिस्टम में? 11 लाख खाने रोज़ खिलाता हूँ। पेंट्री कार में कुछ गर्म होता है, कुछ नाश्ते पानी के आइटम बन सकते हैं, चाय वगैरह बन सकती है, खाना बाहर से ही आ रहा है और खाने को बाहर से ही आता है, आउटसोर्स रहता है। खाने बनाने वाला काम हम अपने बेस किचन बनाए रेलवे के, हाईली हाइजेनिक एंड हाईली मॉडर्न, और खाना हम कहें कि वहाँ पे हम एजेंसी को रखें, उनसे कहें खाना हमारे निगरानी में हमारे किचनों में बनाओ, हमारी हेल्पलाइन नंबर से जिसमें हम चाहते हैं लोग शिकायत करें और हम ऑनलाइन रियल टाइम पे सोल्यूशन भी दें। हमारी एक 1800 111 321 एक नंबर है केटरिंग के लिए ही केवल, और 138 हेल्पलाइन नंबर है, उसमें आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं, हर किस्म की कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारी 182 एक हेल्पलाइन नंबर है जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स के लिए है। हमारे ट्विटर अकाउंट @railmanindia है ही, माननीय रेल मंत्री जी का ट्विटर अकाउंट है, उसमें लोग शिकायत कर सकते हैं सब विषयों पे। रेलवे की फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास लगातार किए गए हैं। पिछले जो रेल मंत्री थे उन्होंने कुल्लड़ जो है इंट्रोड्यूस किया था, अब वो कुल्लड़ गायब हो गए। रेलवे की हमें एडवर्टीजमेंट का करने को प्रयास किए गए थे, कुरकुरे एक्सप्रेस और तमाम इस तरह के, वो अब धीरे धीरे चले गए, तो ये कुल्लड़ और कुरकुरे ये तमाम कंसेप्ट कहाँ गए? देखिए, फेयर रेवेन्यू जब रेलवे की आती है, एक तो फेयर से आती है, माल भाड़े या यात्री किराए से, उसकी अपनी सीमाएँ हैं। हम एक काफ़ी हद तक फेयर और फ्रेट नहीं बढ़ा सकते, माल भाड़ा नहीं बढ़ा सकते, तो हमको डेफिनेटली आय के स्रोत और ढूंढने चाहिए। तो इसलिए हमने नॉन फेयर रेवेन्यू, जो फेयर से हटके इतर किराए से इतर जो संसाधन हैं वित्त के, हम उसको भी जुटाना चाहते हैं। कुल्हड़ एक सिम्बॉलिक आप बात कर रहे हैं, बात इस किस्म के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे नॉन फेयर रेवेन्यू को करें और जो प्रैक्टिकल भी हों। कभी कभी हमको ऐसी चीज़ें भी अडॉप्ट नहीं करना चाहते कि कोई न्यूज़ का पॉइंट बन जाए लेकिन वो प्रैक्टिकल ना हो, खबरों में चर्चा रहने के लिए ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल के आस्पेक्ट देखते हुए, व्यवहारिकता देखते हुए डेफिनेटली हम वो चीज़ करना चाहेंगे और नई पॉलिसी के तहत वो सब काम बहुत व्यवस्थित तरीके से हो सके। सर, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा पहलू जो जनता से तो सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उस पर सवाल बहुत उठते हैं, खासतौर पर एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात आती है, कमीशन खोरी की बात आती है, इसको लेकर रेलवे के तमाम अधिकारी जो आला अधिकारी हैं उन पर भी कई सवाल उठते हैं, इसको कमीशन खोरी से मुक्त कराने को लेकर आपके डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ये भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और रेलवे के कामकाज में पारदर्शिता बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन हमने अपने पूरे ट्रांजेक्शन को, अब हम अपने पूरे ट्रांजेक्शन को डिजिटल करने का हमने कसम खा ली है, माननीय मंत्री जी ने निर्देश भी दिए हैं, और अब हम उस लक्ष्य के लगभग 95-96% पहुँच गए हैं। जी, एक आखिरी सवाल जरूर, क्योंकि भारत एक बड़ा आबादी वाला देश है, यहाँ मेट्रो रेल की भी जरूरत है, बुलेट ट्रेन की भी जरूरत है, साथ ही साथ जो आम जनता है शॉर्ट जो डिस्टेंस की जो ट्रेन है उसकी भी काफ़ी आवश्यकता है। नई ट्रेन आती है, लेकिन थोड़ा सा अगर टेक्नोलॉजी जो आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें गति दी जा सकती है? क्योंकि तमाम चीज़ें ज़रूर आती हैं, बजट में हर साल सुनते हैं ऐसा होगा, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं हो पाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर रह जाता है, उसको लेकर आप लोग कितने गंभीर? हमने क्या किया माननीय रेल मंत्री जी ने, सबसे पहले तो हमने GMs और DRMs को, जो हमारे फील्ड फंक्शनरी हैं, उनको पावर डेलीगेट कर ली। अब उनको रेलवे बोर्ड नहीं भेजना, उनको सारी पावर डेलीगेटेड है कि पूरा काम आप करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अब देश में एक रीजनेबल कनेक्टिविटी है। पहले जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरत थी, कंजेशन बहुत हो रहा है, उसको डीकंजेस्ट करके तीसरी चौथी पांचवी, तो उन्होंने उस तरह की जो रेलवे के लिए ज़रूरी हैं, रेलवे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किए, वही प्रोजेक्ट अनाउंस किए। तो अब हम कैपेसिटी ऑगमेंटेशन में लगे हुए हैं, एक्सपेंशन में लगे हुए हैं, जहाँ से रेलवे को मुनाफा भी हो, ट्रैफिक भी मिले और ग्रोथ भी हो।
बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सक्सेना जी, तमाम सवालों का काफी आपने खुलकर जवाब दिया, काफी बातें हमें समझाई भी, कस्टमर को किस तरह से, ग्राहकों को किस तरह से रेलवे से कनेक्ट होना है, कई नंबर्स भी यहाँ पर बताए गए हैं अनिल सक्सेना जी के द्वारा, और सीधे जो है रेलवे के जो यात्री हैं वो उससे जुड़ सकते हैं, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, ट्विटर हैंडल के जरिए पहुंचा सकते हैं। एक भरोसा जरूर यहाँ पे कायम होता दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पर भारतीय रेल जो कि न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में एक बड़ा मकाम रखती है, वो एक तेजी से आगे बढ़ रही है। काफी वक्त भी लगता है क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, हमारे मुल्क की। निश्चित तौर पर आने वाला समय रेलवे को बेहतर बनाएगा और साथ ही साथ हमारे देश की इकोनॉमी को भी बड़ा मकाम हासिल करवाएगा। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत, इंडिया फर्स्ट को लॉग ऑन करें और तमाम अपडेट्स को, ताजा अपडेट्स को आप देखते रहिए। नमस्कार।